नियम कानून कायदे को सारे उल्लंघन करके नियम कौन सा तोड़ा है बता दीजिए सर। ये कश्मीर मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर सोमवार को ऐतिहासिक फैसला लिया। सरकार राज्य को स्पेशल स्टेटस देने वाले संविधान का आर्टिकल 370 और 35 से खत्म कर दिया है। सरकार ने राज्य को स्पेशल स्टेटस देने वाला संविधान आर्टिकल 370 और 35 से खत्म कर दिया है। ये बिल संसद के दोनों सदनों से पारित भी हो गया। सरकार के इस फैसले पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को आड़े हाथ लेते हुए उन्हें बड़ी खरी खोटी सुनाई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी इमरान खान पर भड़कती दिखी। मरियम ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की बात करके इमरान खान को सिर्फ बेवकूफ बनाया है। ऐसे में इमरान ये अनुमान लगाने में नाकाम रहे कि भारत क्या प्लानिंग कर रहा है। आप मिस्टर खान भारत की प्लानिंग का अनुमान लगाने में बिल्कुल नाकाम रहे। डोनाल्ड ट्रंप आपको मूर्ख बनाते रहे और आप बनते रहे। आपको समझ ही नहीं आया कि सरहद पार की सरकार कश्मीर पर क्या करने जा रही है। आप या तो पूरी तरह भारत की तैयारियों से बेखबर रहे या उसका हिस्सा थे। मरियम नवाज यही नहीं रुकी। विपक्ष के निशाने पर हमेशा हाई अलर्ट रहने वाले इमरान खान जहां कंगाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं, तो वहीं भारत के मामले में लगातार पूरी दुनिया में पिट भी रहे हैं। चाहे बालाकोट में एयर स्ट्राइक हो या कुलभूषण जाधव का मामला, इस बार ट्रंप ने इमरान खान को कैसे बेवकूफ बनाया, मरियम ने ये भी बताया। क्या मध्यस्थता का प्रस्ताव एक ऐसा जाल था जिस पर आप आगे बढ़ते गए और उसमें फंसते गए, अथवा हमेशा की तरह आपको इस बात का कोई सुराग ही नहीं था कि दुश्मन की क्या योजना है? आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अमेरिका के दौरे पर थे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था। इसमें ट्रंप ने कश्मीर पर चौंकाने वाला बयान दिया था। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago and we talked about this subject and he actually said would you like to be a mediator or arbitrator? I said where? He said Kashmir because this has been going on for many many years. I was surprised at how long it's been going on. Long. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be. I mean, it's impossible to believe two incredible countries that are very, very smart with very smart leadership can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. President, I can tell you that right now, you will have the prayers of over a billion people if you can mediate and resolve this issue. It should be. हालांकि भारत सरकार ने ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज किया है। इस वाक्य का जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने कहा, हम पाकिस्तान के नागरिकों को बताया जाना चाहिए कि दोनों तरफ से क्या प्रतिबद्धताएं जताई गईं। इमरान खान हमें बताएं कि अमेरिका से क्या वादा किया। बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी कर दिया। इसके साथ ही राज्य के पुनर्गठन का रास्ता साफ हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी पेश कर दिया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पास हो गया है।